नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आज हम जानेंगे ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, शरीर में इसके आने के कारण क्या हैं और योग में इसका उपचार कैसे संभव है। ऑस्टियोपोरोसिस का रोग हड्डी का रोग कहलाता है। जब हड्डी कमज़ोर, खोखली, पतली, कमज़ोर होने लगती है उसे ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहा जाता है। सामान्यतः बढ़ती हुई आयु में ये रोग शरीर में प्रवेश करता है। संख्या की दृष्टि से अगर हम पुरुषों और महिलाओं में इसकी तुलना करें तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का रोग पुरुषों की अपेक्षा अधिक, लगभग 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। जब हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं और उनके ऊपर से मांस कम होने लगता है तो उनके टूटने का खतरा बढ़ने लगता है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जहाँ तक लक्षणों का सवाल है, इसमें रीढ़ की जो मूल आकृति है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। कुछ कहीं भी हल्का सा झटका लगने पर व्यक्ति को फ्रैक्चर हो सकता है और फ्रैक्चर के भी कुछ विशेष जगहें ज़्यादा संभावना बनी रहती है, जैसे कलाई के पास, पसलियों के पास, नितंब की हड्डी और टखने की हड्डी। ऐसी हड्डियों को हल्की सी भी चोट, झटका लगने से वो कभी भी टूट सकती है। जब यह दोष शरीर के भीतर आता है तो आप पाएंगे कि व्यक्ति आगे की ओर झुकना कई बार शुरू कर देता है और उसका कद, जिसकी वजह से घटना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के रोग के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला कारण है आयु का बढ़ना। जिन व्यक्तियों का शरीर ज़्यादा कमज़ोर और पतला होता है उनके शरीर में ये आने की संभावना ज़्यादा होती है। महिलाओं में विशेषतः जब हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस का रोग आ सकता है, जैसे कि प्री मीनोपाज की अवस्था में जब महिलाएँ पहुँचती हैं या रजोनिवृत्ति मीनोपाज की अवस्था में पहुंच जाती है तो उस समय शरीर में हार्मोन्स का जो संतुलन बिगड़ता है वह ऑस्टियोपोरोसिस के रोग का कारण बन सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, भोजन ठीक ना होना, हड्डियों के ऊपर से मांस कम होने के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस का रोग शरीर में आ सकता है। कई बार अगर शरीर में कैंसर का रोग, ब्रेस्ट कैंसर जैसे महिलाओं में आ जाए तो वह भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। योग अपने आप में एक पूर्ण विद्या है। यह शरीर को हर तरह से स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऑस्टियोपोरोसिस का रोग हड्डी का रोग है और जब हम योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रभाव शरीर में हड्डियों को मजबूत करना और हड्डियों को लचकदार बनाना, यह योगाभ्यास का लाभ है। और जिसकी हड्डियां लचकदार होंगी, मजबूत होंगी, उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। जहां तक आसनों का अभ्यास है, प्रारंभ में अर्धचंद्रासन, कटी चक्रासन, आकर्ण धनुर आसन,
ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी के लिए बहुत लाभकारी हैं। हमारे शिक्षक आज इन तीनों आसनों का अभ्यास दर्शकों को करके दिखाएंगे। आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों बाजू शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, शरीर सीधा, दोनों बाजुओं को बगल से धीरे धीरे ऊपर की ओर लाना प्रारंभ करें। दोनों हथेलियों को मिला लें। बाजू कान से सटी हुई हो, श्वास पूरा भीतर भरें। श्वास रोकते हुए दाईं ओर बगल से धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। शरीर आगे या पीछे की ओर ना जाए। बाजू कानों के साथ सटी रहें और खिंची रहें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाजू ऊपर की ओर पूरी तरह खींच लें। श्वास पूरा भीतर भरें। बाईं ओर धीरे धीरे श्वास रोकते हुए बगल से झुकें। शरीर आगे या पीछे की ओर ना झुके। बाजू कानों के साथ सटी रहें और खिंची रहें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आते हुए शरीर को सीधा करें। एक बार फिर श्वास को भरें, धड़ और बाजुओं को ऊपर की ओर खींचें। श्वास अंदर रोकें और दाईं ओर बगल से झुकें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए, फिर श्वास भरें, बगल से बाईं ओर श्वास रोकते हुए झुकें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। बाजुओं को एक बार आसमान की ओर खींचें, बगल से दोनों बाजुओं को वापस लाएं। इस आसन के करने से सभी पसलियां, रीढ़, कंधों के जोड़, विशेषकर प्रभाव में आने से ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। कटी चक्र आसन। दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा कम फासला बनाएं। दोनों बाजू शरीर के साथ सटी हुई, दोनों बाजुओं को सामने की ओर कंधों की ऊंचाई तक लेकर आएं। हथेलियां एक दूसरे के सामने, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर रीढ़ से मुड़ना शुरू करें।
बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करेगी, ठोड़ी दाएं कंधे पर आ जाए, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया बाईं ओर से श्वास भरते हुए बाईं ओर धीरे धीरे रीढ़ से मुड़ना प्रारंभ करें। दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे को स्पर्श हो, ठोड़ी बाएं कंधे के ऊपर। बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। श्वास भरते हुए दाईं ओर धीरे धीरे रीढ़ से मुड़ें। बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करें, थोड़ी दाएं कंधे के ऊपर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। श्वास भरते हुए रीढ़ से बाईं ओर इस प्रकार मुड़ें कि दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे, थोड़ी बाएं कंधे के ऊपर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों बाजू नीचे की ओर लाते हुए बैठने की मुद्रा में विश्राम करें। कटी चक्रासन हड्डियों को लचकदार बनाने वाला आसन कहलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट के लिए यह आसन सरल और लाभकारी आसन है। आकर्ण धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाएं टांग को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास जंघा पर रख दें, बाएं हाथ से दाएं पैर का और दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएं। घुटने, टखने और कुल्हे का जोड़, कंधे का जोड़, कोहनी और कलाई प्रभाव में आती है। बहुत धीरे धीरे वापस। टांग को सीधा करें, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, बाएं टांग को मोड़ें, दाएं घुटने के पास जंघा पर रख दें, दाएं हाथ से बाएं पैर का और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। श्वास भरते हुए
बाएं पैर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएं। प्रयास करें रीढ़ वाला भाग सीधा रहे। बहुत धीरे धीरे वापस आएं। दोनों टांगें सीधी कर दोनों हथेलियों को कमर के पीछे रख दें और विश्राम की मुद्रा में प्राणायाम का अभ्यास करते समय दो बातों का ध्यान करना है। वह प्राणायाम जो रीढ़ के आसपास या गर्दन और कंधे के आसपास जिससे झटका लगने की संभावना होती है उसे वो ना करें। शरीर में जिसमें स्थिरता आप बना सकते हैं वह प्राणायाम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वे प्राणायाम जो शरीर को गर्मी देने वाले हैं, क्योंकि गर्मी से हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, उन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे सूर्य वेधी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी के लिए बहुत लाभकारी हैं। आज हमारे शिक्षक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाई टांग को मोड़ें, एड़ी को बाई ओर पेड़ू में, बाई टांग को मोड़ें, एड़ी को दाई ओर पेड़ू में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर इस प्रकार रखें कि हथेलियों का पृष्ठ भाग दोनों घुटनों के गड्ढे पर आ जाए। कमर रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। भस्त्रिका प्राणायाम, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली दो उंगलियां मोड़ें, अंगूठे की गद्दी से लगा दें, अन्य दोनों उंगलियों को एक साथ और सीधा करें। अंगूठा और अनामिका को नासिका के दाएं और बाएं हिस्से से स्पर्श करवाएं। नासिका के दाएं और बाएं भाग से स्पर्श कराएं। अंगूठे को हटाएं, बाएं हाथ से घुटने को पकड़ें और दाएं नासिका से शक्ति से श्वास भरें और शक्ति से निकालें। शुरू कर दें। दाई नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें, दाई नासिका को बंद कर लें, तीनों बंद लगाएं। मूल बंद पहले से लगा रहता है, उड़ियान और जालंधर बंद भी लगा लें। क्रमानुसार बंद खोलते हुए बाई नासिका की ओर से उंगली हटाते हुए श्वास को बाहर निकालें। बाई ओर से शक्ति से श्वास लें और शक्ति से छोड़ें। बाई नासिका से श्वास को भीतर भरें, गहरा और लंबा। श्वास को भीतर रोक लें, बाई नासिका बंद कर लें,
तीनों बंध लगा लें। दाई नासिका को खोलते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथ को नीचे लाकर घुटने पर रखें, श्वासों को सामान्य कर लें। इसकी अगली अवस्था में हम दाएं से श्वास लेते हैं शक्ति से, बाएं से निकालते हैं, फिर बाएं से लेते हैं, दाएं से निकालते हैं। दाएं हाथ से प्राणायाम की मुद्रा बना लें। प्राणायाम की मुद्रा बनाकर दाएं और बाएं नासिका पर अंगूठा और नासिका रखें। अब दाएं से श्वास लें, बाएं से निकालें, बाएं से लें, दाएं से निकालें। शक्ति से शुरू करें। धीरे धीरे वापिस आएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर विश्राम करें, श्वासों को सामान्य कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम की पूर्ण अवस्था में एक साथ दोनों नासिकाओं से श्वास को लिया जाता है और एक साथ दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर निकाला जाता है। दोनों नासिका से एक साथ शक्ति से श्वास लें, शक्ति से छोड़ें। पूरा श्वास भीतर भरें, तीनों बंद लगा लें। आंतरिक कुंभक में रुकें। कर्मानुसार बंधों को खोलते हुए धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकलने पर बाह्य कुंभक में तीनों बंध लगाएं। क्षमतानुसार रुकते हुए धीरे धीरे बंधों को खोल दें, श्वासों को सामान्य करें, मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी को भोजन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, उबली हुई सब्जियां, सब्जियों का सूप, इसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अतिरिक्त इसके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस का रोग कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण आता है। कैल्शियम की पूर्ति दूध और दूध से बने पदार्थों से होती है। इसके अतिरिक्त साग सब्जियों में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जहाँ तक विटामिन डी की बात है, विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत धूप है। आज समय बदल चुका है। आधुनिक जीवन शैली में जो लोग एसी घर में रहते हैं, एसी कार में चलते हैं, एसी ऑफिस में कार्य करते हैं, सालों साल उन्हें धूप शरीर या त्वचा पर लेने का अवसर नहीं मिलता, तो
तो ऐसे शरीरों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी बहुत तेज़ी से आती है। यही कारण है कि आज 25, 30, 35 साल के युवा या मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों में भी यह दोष तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रतिदिन शरीर को 20 मिनट की धूप दें। इसके अतिरिक्त दूध और संतरे में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है, उसका सेवन उन्हें करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी को उछलना, कूदना, वजन उठाने से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उसे अपनी दिनचर्या को संयम में अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस प्रकार ढाले जिसमें ज़्यादा दौड़ धूप ना हो। इसके अतिरिक्त उसे अपने शरीर के ऊपर तिल के तेल की मालिश करके प्रतिदिन लगभग 20 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। अतिरिक्त इसके सौंठ, मेथी और काले तिल, इसका पाउडर एक 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 के अनुपात में मिलाकर उसका चूर्ण तैयार कर लें और एक चम्मच, पौना चम्मच से एक चम्मच, 3/4 चम्मच भी उचित मात्रा कहलाएगा, रात्रि में गुनगुना पानी कर उसके साथ इसका सेवन करेंगे तो उन्हें इससे भी लाभ होगा।